नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय माफिया डॉन अबू सलेम भले ही जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसकी हनक अभी भी कायम है। अबू सलेम का नाम लेकर उसका भाई न सिर्फ वसूली कर रहा है, बल्कि विरोध करने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तारीफ पर सरायमीर थाने में अबू हकीम अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन के मुताबिक सरायमीर कस्बे के मुख्य मार्ग पर स्थित न्यू चाइनीज एंड इटालियन पिज्जा रेस्टोरेंट के संचालक रामेश्वर कुमार ने अबू हकीम अंसारी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। रामेश्वर कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अबू हकीम अंसारी से उस रेस्टोरेंट को एग्रीमेंट पर लिया है। इसके बाद भी अबू हकीम अंसारी रेस्टोरेंट पर आकर कैश काउंटर पर जबरदस्ती बैठता है, पैसे भी निकाल लेता है। जब वह विरोध करता है तो अबू हकीम अंसारी कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का भाई हूँ, तुम्हें और तुम्हारे लड़के को कटवा दूंगा। इसके साथ ही भद्दी भद्दी जाति सूचक गालियां भी देता है, मेरे सारे सामान को अपना कहता है। रामेश्वर कुमार ने बताया कि अबू द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि रामेश्वर कुमार ने कथित तौर पर अबू सलेम के भाई अबू हकीम अंसारी के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर सरायमीर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम को कुछ ही दिन पहले नवी मुंबई की तलौजा जेल से नासिक रोड सेंट्रल जेल की अंडा सेल में रखा गया था। मुंबई सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपी अबू सलेम को अब दिल्ली भेज दिया गया है। मुंबई की विशेष पुलिस टीम अबू सलेम को कोर्ट के काम के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ट्रेन से दिल्ली ले गई। सर, ये सरायमीर में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें माफिया डॉन अबू सलेम के भाई का पकड़ा है, क्या पूरा पकड़ा और इस तरह के मामले में पुलिस क्या संभाल रही है? देखिए, दिनांक 1 अगस्त को समय लगभग 4 बजे थाने पर यह तहरीर प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है रामेश्वर जो कि थाना सरायमीर के अंतर्गत एक रेस्टोरेंट चलाता है, जिसको उसने अबू हकीम अंसारी नाम के व्यक्ति से एग्रीमेंट कराया है। अब कुछ समय से अबू हकीम अंसारी उसकी गले पर आकर बैठता है, पैसे निकाल लेता है और कहता है कि ये दुकान मेरी है और मैं ही चलाऊँगा, मैं ही पैसा लूँगा, और मारने पीटने की धमकी देता है। यह कथित तौर पर अबू सलेम डॉन का भाई अपने आप को बताता है और उसी के नाम पर धमकी देता है। इस पर तत्काल तहरीर प्राप्त होते ही गंभीर प्रकरण होने के कारण तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जिस भी व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश में आएगा, जो साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उसके अधिकार पर गिरफ्तारी की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस की संज्ञान में भी है या पुलिस संज्ञान लेगी कि इस तरीके की धमकियां औरों को भी देता हो या इस तरीके की? बिल्कुल, इसके CDR का और अन्य लोगों के गवाहों के बयानों के आधार पर जो भी बातें सामने आएंगी, प्रकाश में आएंगी, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।